हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड अंकिता अभी डिनर बना रही है, सो चलिए लेट्स चेक इट आउट। क्या है? दिस इज अ चिकन ब्रेस्ट। आज मैं बनाने वाली हूँ थोड़ा सा सैलेड, थोड़ा सा मैंने सॉल्ट एंड पेपर डाला है, थोड़ा सा ओरिगैनो डालूंगी मैं इसमें, डालूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिटिल, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन ब्रेस्ट को मैंने हल्का सा पाउंड कर लिया है, इसीलिए ये थोड़ा सा फ्लैटन आउट हो गया है। आई एम जस्ट गोइंग टू एयर फ्राई इट। आप चाहे तो इसको एक तवे पे भी बना सकते हैं। तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं गार्लिक ब्रेड के लिए, राइट? सो गार्लिक ब्रेड के लिए आपको लेना है एक बड़ा सा बोल, टेक बटर अकॉर्डिंगली, गार्लिक और कोरिएंडर चॉप करके रखा है ये इसमें ऐड कर देंगे, ओरेगानो, थोड़ा सा पेपर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, बस इसको एक मिक्स देंगे अच्छा सा। सॉल्ट मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि माय बटर इज सॉल्टेड, आप चाहे तो डाल सकते हैं। एंड योर गार्लिक बटर इज रेडी। सो द चिकन इज डन फॉर 10 मिनट्स एंड आई थिंक इट्स नॉट कुक्ड येट। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना फ्लिप इट ओवर और इसको और 10 मिनट में कुक करूंगी। गार्लिक ब्रेड के लिए जो लोफ चाहिए रहता है, आई डोंट हैव दैट लोफ। सम बटर हियर, चीज चाहिए था, मोज़रेला चीज है, मोज़रेला खत्म हो गया है मोज़रेला, उतने में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डाल दो। सो ये हमारे प्रिपेयर हो गए गार्लिक ब्रेड, अभी इसको बेक करना है एंड थोड़ा सा इसके ऊपर चीज डाल देंगे, चीज था नहीं तो जितना है उतना ही डाल देंगे। इसको मैं ऐसे रफली चॉप कर दूंगी। I'm going to be dressing the salad with some salad cream. So you take a little pepper, a pinch of salt. इसे अच्छे से मिक्स कर दे। Drizzle of olive oil. Do you want long pieces or how do you want it? Any piece. Chicken on top. Ready हो चुका है हमारा सैलेड। सो पुट वन हियर जस्ट लाइक दैट, राइट? वाह, अभी इसमें जाएगा पार्मेसान चीज थोड़ा सा, जस्ट सम पार्मेसान ऑन टॉप, दैट्स इट। Dinner turned out awesome. I hope you liked the video. Thank you for watching the video.